गाजीपुर जनपद के डीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने कई मुद्दों पर सोमवार को बयान देते हुए कहा कि यदि लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित है तो मैनपुरी, रामपुर, खतौली में बीजेपी हारेगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये घमंड में चूर, नकारा और धोखा देने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 24 घंटे में आनन फानन इसी नियुक्त किया जा रहा। बीजेपी ऐसा वटवृक्ष है जिसके नीचे कोई फसल नहीं उग सकती। माफिया बृजेश सिंह पर किए गए सवाल पर अफजाल अंसारी ने कहा कि जो 25 साल कानून से भागता रहा उसके साथ आज सत्ता की ताकत खड़ी है। माफियाओं की लिस्ट में बृजेश सिंह का नाम है लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि 2024 लोकसभा में मोदी जी की सरकार नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि यूपी में 80 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी की 200 सीटें नहीं आएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे मालूम है मोदी जी 8वीं पास है जबकि मेरा ड्राइवर हाई स्कूल पास है। उनसे ज्यादा ज्ञानी और काबिल करोड़ों लोग इस देश में हैं। वो झूठ बोलने के स्पेशलिस्ट हैं और उनका झूठ सफल हो गया है। अफजाल अंसारी कोर्ट में सोमवार को पेश होने आए थे। वर्ष 2001 में मोहम्मदाबाद तहसील में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ के मामले में उनकी पेशी थी। मामले में 12 दिसंबर को कोर्ट ने अगली तारीख नियत की है।